जल्द सुलझ सकता है महाराष्ट्र का सियासी पेच। तो महाराष्ट्र में 22 नवंबर को सरकार का ऐलान संभव माना जा रहा है। तो महाराष्ट्र में सरकार गठन पर लगातार बातचीत हो रही है। तो आज एनसीपी कांग्रेस की अलग अलग बैठक होगी। तो आपको बता दें कि कल भी कांग्रेस और एनसीपी की बैठक हुई थी और अब अलग अलग बैठक कर यहां पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जल्द ही महाराष्ट्र का सियासी पेच सुलझ सकता है। तो लगातार मंथन का जो दौर है वो जारी है और शिवसेना पहले ही साफ कर चुकी है कि दिसंबर से पहले ही सरकार का गठन हो जाएगा और शिवसेना ही इसका नेतृत्व करेगी। तो आज एनसीपी कांग्रेस की अलग अलग बैठक होने जा रही है। इन बैठकों पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि आखिर किस तरह का विचार विमर्श इस बैठक में रहेगा, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनती नहीं दिख रही है और उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से। तो जल्द ही माना जा रहा है कि महाराष्ट्र का जो मुद्दा है वो सुलझ सकता है। तो लगातार महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और उसी बीच अब अलग अलग बैठक जो है वो यहां पर एनसीपी और कांग्रेस नेताओं की। इससे पहले अगर बुधवार की बात करें तो बुधवार को एनसीपी और कांग्रेस दोनों की बैठक हुई साथ और आज अलग अलग बैठक कर विचार विमर्श किया जाएगा सरकार बनाने को लेकर। और माना जा रहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। तो महाराष्ट्र में सरकार गठन पर बातचीत लगातार जारी है और इन्हीं बातचीत के बीच आज एनसीपी और कांग्रेस की एक बार फिर से बैठक होगी। अलग अलग एनसीपी और कांग्रेस नेताओं की बैठक होने जा रही है और सभी की निगाहें इन बैठकों पर इसलिए टिकी हैं कि क्या जो बातचीत एनसीपी और कांग्रेस के बीच चल रही है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस साफ कर चुकी है कि शिवसेना से लगातार बातचीत हो रही है और सही राह पर ये बातचीत जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर ये खड़ा हो जाता है कि आखिर जब सही राह पर ये बातचीत चल रही है तो सरकार का गठन को इतना देरी क्यों हो रही है?